हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप में से कल बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे मुझे लगातार, दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। और हाँ, ये बात है कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सबका कमेंट देखा है, हर तरह के कमेंट आए। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने ये प्रूव कर दिया कि हाउसवाइफ जो है वो पढ़ाई करके जॉब निकाल सकती है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब लग गई हो, इतनी खुशी हो रही आपके लिए, मेरी आंखों में आंसू हैं। तो सच में ये सब पढ़ के इतना ज्यादा अपनापन फील होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कल आपने मुझे बहुत सराहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी लाइफ में ये दिन जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। वैसे कल तो बहुत सारे रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए थे, तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ कमेंट ऐसे थे जिसमें लिख रहे थे कि आप लोगों का एक नंबर या दो नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो एक दो नंबर की कमी है ना, वो बीपीएससी 3.0 में आप पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो अनाउंस होने वाली है। लोग तो कह रहे थे कि अगस्त तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेब या मार्च में ही बीपीएससी 3.0 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जिनका नहीं हुआ है आप वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। और अगर आपका एक दो नंबर से छूट रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट भी ज़रूर जारी होगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि बीपीएससी 3.1.0 का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट, आपको पता है कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुआ था, और अभी उसका डीवी भी होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा होपफुल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी हो गया है, सबको अब तक पता चल गया होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका डीवी होने वाला है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको एलोकेट किया गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में नवादा रखा था, क्योंकि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए था, तो मुझे नवादा मिल गया है। और आप सभी बताइएगा कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या फिर और कहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मुझे भी थोड़ा डाउट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से नहीं लेकर जाने हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। और इसके अलावा जिनका बीपीएससी 3.1.0 में सिलेक्शन हो गया है उनसे भी बात करी, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास होने ही होने चाहिए। और आपको तो पता ही है कि 26 से हमारा डीवी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए ना कि अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रख लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनको रीड आउट कर दूंगी, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेकर जाने हैं। तो सबसे पहला है आवेदन पत्र की स्व अभिमानित प्रति, मतलब कि जो आपने अप्लाई किया था फॉर्म, वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो कॉपी आपको एक लेकर जानी है। दूसरा है बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब बीपीएससी ने भी ना अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो खोल दिया है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो फिर वहां से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, लाइक आपने एनसीएल अपलोड किया होगा या फिर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किया होगा, वो सारे ना आपको अभी मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में पीछे क्या होगा, वाटरमार्क होगा, और उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेकर जाना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में आपका आता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाइएगा और उसका एक जेरोक्स कॉपी भी रख लीजिएगा। फोर्थ है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप एक चीज इंश्योर कीजिएगा कि आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक हो, क्योंकि आधार कार्ड से नंबर लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो डीवी करेंगे ना तो उस समय आपका फोन नंबर भी वेरीफाई करेंगे, और उसके अलावा फोन नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक रहे। फिफ्थ है आपका निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि जो आपका रेसिडेंशियल होता है उसका आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी हैं तो आप एनसीएल के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस है, या फिर आपका जो भी कैटेगरी है उसका आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। इसके बाद है सीटेट, अगर आपने सीटेट, एसटेट, बीटेट जो भी पास किया है उसका भी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने पास रखना होगा, और एक जेरोक्स कॉपी भी सबका आपको रखना है। एट्थ नंबर में है आपका सभी शैक्षणिक, मतलब आपने जितना भी अभी तक पढ़ाई किया है उन सब का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, मैं तो कहूंगी कि आपके पास जितने सर्टिफिकेट्स है ना, क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, सीटेट, वो सब आप अरेंज करके अभी से ही रख लीजिए, कोई भी चीज मत छोड़िए, सब कुछ अरेंज करके रखिए, उन सबको आपको लेकर जाना होगा। और इसके अलावा है नाइन्थ नंबर में 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 फोटो भी आपको लेकर जाना है, पर मैं कहूंगी कि आप 5-6 रख लीजिएगा, 3 मत रखिएगा।
और फोटो जब आपने एडमिट कार्ड निकालने टाइम में अपलोड किया था जिस फोटो को, वही फोटो आपको लेकर जाना है, कोई दूसरी फोटो लेकर मत जाइएगा। इसके अलावा अब इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैसे जाना है मैं आपको बता दूं, आपको अपने पास 3 फाइल रखने होंगे और तीनों फाइल जो है ना वो आपके कूट वाले जो मोटे वाले फाइल होते हैं, आपने देखा होगा जब हम बीएड में एडमिशन लेते थे तो वही वाला फाइल चलता था, तो वही कूट वाला मोटा वाला फाइल आपको रखना होगा। 3 फाइल रख लीजिए। एक फाइल में आपने बीपीएससी से जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं उनको रख लीजिएगा, दूसरे फाइल में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट है, प्रोविजनल है, एडमिट कार्ड है, 10th 12th ग्रेजुएशन और सीटेट वाला, वो रख लीजिएगा, और तीसरे में आप क्या रखिएगा, जेरोक्स कॉपी सबका, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है बीपीएससी से डाउनलोड किया था और आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स, उनका जेरोक्स कॉपी 3rd फाइल में रखिएगा। और ये 3 फाइल आप तैयार करके पहले से ले जाइएगा, साथ में अपने साथ पेन पेपर सब एक्स्ट्रा। मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि किसी केस में आपको एप्लीकेशन भी लिखना पड़ जाए, तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि सादा पेपर और पेन भी अपने साथ लेकर जाइएगा ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर किसी का नाम में मिस्टेक है या फिर किसी चीज़ में, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा जो ग्रेजुएशन में नाम है मेरे पापा का और बीएड में जो मेरे पापा का नाम है वो दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या करें, तो इस तरह का आपका कोई भी गलती है तो पहले से ही आप एक एफिडेविट बनवा के रखिए, क्योंकि आप पहले से बना कर रखेंगे तो आप रेडी रहेंगे, क्योंकि वहां जाकर फिर वो आपको कहेंगे कि एफिडेविट बनवा के ले आओ तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाए। तो किसी का भी कुछ भी गलत है एफिडेविट पहले से ही बनवा कर रखिए कोर्ट से, क्योंकि वो आपके लिए एक क्या होगा, सेफ्टी हो जाएगा कि आपने पहले से ही मतलब बनवा कर रखा है, तो एफिडेविट बनवा कर ले जाइए अपने साथ में ही ताकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा कोई टेंशन ना रहे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि एस्टेट सर्टिफिकेट कौन सा लेके जाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही वाटरमार्क वाला एस्टेट सर्टिफिकेट जो है हमने डाउनलोड किया था, वही वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें एस्टेट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अब उसमें जो है बहुत लोगों का गलत है, जैसे कैटेगरी किसी का गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का फादर नेम मिस्टेक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हम बीएससी ऑफिस गए थे और उसके साथ हमने एक एप्लीकेशन जो है वहां पर साइन करवाया था, तो वो एप्लीकेशन हमें अपने साथ रखना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बीएससीबी ऑफिस जाकर एप्लीकेशन मतलब सबमिट नहीं कर पाए थे, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने लिए एक एफिडेविट बनवा लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका ये चीज काम कर जाएगा। तो ये था एस्टेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और आप में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी, तो उसमें एक था डिजिटली साइन, डिजिटल साइन जो है वो डिसअपियर हो गया था जब हमने बीपीएससी के साइट पर अपलोड किया था फॉर्म फिल करने टाइम, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब हम कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं 200 से 300 KB में तो वो डिजिटली साइंड बाय कुछ भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना 100 KB से कम में, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो हमें सारे डॉक्यूमेंट को 100 KB से कम में अपलोड करना था, तो जब हम 100 KB से कम में अपलोड करते हैं तब फिर वो जो है ना डिसअपियर हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि होगी, और अगर कुछ होगी भी तो फिर वो वहां पे जरूर बताएंगे कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल वाला है तो ओरिजिनल वाला में तो आपका, आपके पास जो भी अभी घर में होगा ना ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट, आप उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि डिजिटली साइन बाय शोभा कुमारी या कुछ भी ऐसे लिखा हुआ होगा, लेकिन जो हमने उसमें अपलोड किया है बीपीएससी में उसमें नहीं है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्यूआर कोड साइड में दिया होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका दोनों डॉक्यूमेंट में अगर क्यूआर कोड सेम है तो फिर आप सेफ हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। और अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो 9th 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स का नहीं किया गया है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आज तक में 9th 10th का रिजल्ट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, और फिर कल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा 9th 10th में क्या रिजल्ट हुआ। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।